हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स पावर चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग आरसीसी का दो तीन लेक्चर, इससे पहले जो हम लोग आरसीसी में बेसिक देख चुके थे वो देख लेना है। और उसके बाद आज हम लोग सबसे पहला मेथड ऑफ डिज़ाइन हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वर्किंग स्ट्रेस मेथड। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे AKU यूनिवर्सिटी में इससे एक 14 मार्क्स का क्वेश्चन जो है हर साल आता ही है। ठीक है, तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड के बारे में थोड़ा सा पहले जनरली हम बात जानेंगे कि ये एक ओल्डेस्ट मेथड है और इसमें कुछ कमियां हैं इसमें, और इसको जो ओवरकम किया है, इसके जो कमी को वो हम लोग को आगे पढ़ना है, जिसका नाम है लिमिट स्टेट मेथड, जिससे गेट में काफ़ी सारे सवाल आते हैं और अपने यूनिवर्सिटी में भी 14 मार्क्स का भी क्वेश्चन वहाँ से आता है। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में क्या कमी है वो सब हम लोग दूर करेंगे LSM में, लेकिन ये मेथड भी अभी भी यूज करते हैं हम लोग। जैसे अगर हम लोग को अगर डिफ्लेक्शन या क्रैक विड्थ कैलकुलेशन वगैरह करना है तो हम लोग वहाँ पर WSM का यूज आज भी कर रहे हैं। अगर हम लोग को किसी लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर का डिज़ाइन करना है तो वहाँ भी हम लोग WSM का आज भी यूज कर रहे हैं। अगर हाईवे पे ब्रिज बनाना है तो वहाँ भी आज भी WSM से ही बनता है। चिमनी का कंस्ट्रक्शन अगर करना है तो वो भी WSM से ही बनता है। ठीक है, तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग देखते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड को पढ़ने से पहले। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी नाम का एक चीज़ है, FOS, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जो कि कंक्रीट के लिए 3 लिया गया है। कंक्रीट के लिए जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया गया है वो क्या लिया गया है, 3 लिया गया है। और स्टील के लिए, RCC मतलब स्टडी ऑफ कंक्रीट एंड स्टील है, तो स्टील के लिए जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया गया है 1.8 लिया गया है। अच्छा, एक बात ध्यान रखेंगे, ये जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया गया है इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन इसका कहीं भी नहीं है कि ये क्यों लिया गया है। लेकिन ये जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है ये सिर्फ एक्सपीरियंस बेसिस पर लिया गया है, इसका कोई प्रैक्टिकल या थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन हमारे पास नहीं है। यानी कि ये जो लिया गया है ये जस्टिफाइड नहीं है सिंपली, क्योंकि एक्सपीरियंस बेसिस पे हम लोग स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हैं, क्योंकि लोड का कंडीशन हर जगह एक जैसा नहीं रहता है। ठीक है, तो इसलिए ये तो अब शुरू से ही देखिए ये गलत चीज़ को एडॉप्ट कर रहा है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ही ये गलत ले रहा है। तो WSM में क्या गलत है क्या नहीं वो आगे हम लोग देखते चलेंगे, लेकिन अभी ये पॉइंट मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, चलिए अब क्योंकि कंक्रीट में 3 लिया गया और स्टील में 1.8 लिया गया है, तो कंक्रीट में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ग्रेड हमारे पास होता है M15, M20, M25, ठीक है, और M30, और भी आगे जाता है और इससे पहले भी है। तो कंक्रीट में फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 लेने का मतलब इसमें हम लोग को स्ट्रेस का वैल्यू, जो परमिसिबल स्ट्रेस का वैल्यू है, कितना परमिट करेंगे इसमें स्ट्रेस, परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट, कंक्रीट में जो परमिसिबल स्ट्रेस होगा उसको हम लोग सिग्मा CBC के नाम से जानते हैं। और उसका वैल्यू कैसे निकलेगा, M15 का कितना है FC के, 15, तो 15 बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर दिए तो 3 हो गया, तो ये क्या हो गया हमारे पास, 5 न्यूटन पर mm². इसी तरह से 20 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्स हम लोग को 7 आएगा। ठीक है, अप्रोक्स वैल्यू हम लोग याद रखते हैं 5 7, ठीक है, 7 3 जा 21, तो 21 के आसपास है 20। ठीक है, 25 को जब डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्स वैल्यू हम लोग को 8.5 न्यूटन पर mm² लेना है। ठीक है, और 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये 10 न्यूटन पर mm² लेना है। तो ये सारा वैल्यू याद करके चलेंगे, अगर नहीं भी याद होता है तो सिर्फ इतना याद रखते हैं कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 लेते हैं, M15, M20, M25, M30। अच्छा, अब बात आता है कि इसको हम लोग डिवाइड क्यों कर रहे हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी को मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर दिए FCK में। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि परमिसिबल स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट है, यानी कॉन्क्रीट में आप कितना स्ट्रेस परमिट कर रहे हैं, कितना स्ट्रेस अलाउ कर रहे हैं लगने के लिए, तो 5 7 8.5 10 एंड सो ऑन। तो अब बात करते हैं डिवाइड क्यों किए। देखिए डिवाइड करने से क्या होता है, किसी भी वैल्यू को कम करना, और मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है कि किसी भी वैल्यू को बढ़ाना।
तो जो स्ट्रेस इन कंक्रीट होता है, ये सब इंटरनल चीजें हैं। तो जब भी हम लोग को अपने अंदर का बात अगर बताना है तो हम लोग कम करके बताते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हम लोग एक दूसरे को, दोस्त अगर पूछता है कि कितने चैप्टर पढ़ लिए, तो हम लोग पढ़ लेते हैं 5 चैप्टर, लेकिन बोलते हैं भाई अभी तो एक भी नहीं पढ़े। क्लियर है? तो वही वाला बात है कि जो परमिसिबल स्ट्रेस है, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो लिया गया वो कम करके हम लोग लिए गए। अच्छा, हम लोग अपने लिए अपना जब कोई वैल्यू बता रहे हैं, जो इंटरनल चीज था, क्योंकि अंदर पढ़े हुए हैं ज्यादा लेकिन बता रहे हैं कम, लेकिन बाहर वाले को समझते हैं कि अगर कोई अगर ओरिजिनली अगर 5 चैप्टर पढ़ा होगा तो हम लोग उसको मान के चलते कि नहीं तुम तो भाई 10 पढ़ लिए होगे। क्यों? क्योंकि वो एक्सटर्नल। तो जब किसी एक्सटर्नल चीज का एनालिसिस हम लोग करते हैं तो उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जब अपने अंदर की बात आती है तो वहां पे हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी को डिवाइड करते हैं। तो ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी का जो डिवाइड और मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट है, ये थ्रू आउट द सिविल इंजीनियरिंग आपको चलेगा। तो यहां से आपको ये क्लियर हुआ। तो ये हुआ परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट का बात, 5, 7, 8.5, 10 और इस तरह से रहेगा, याद ही कर लेना है इसको। और परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील का जब बात करेंगे, परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील का जब बात करेंगे तो वहाँ पे हम लोग उसको हम लोग सिग्मा ST से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है? और सिग्मा ST के लिए कॉलम बनाएंगे कि अगर स्टील का डाया अप टू 20 mm है, अगर स्टील का डाया जो है 20 mm तक है, ठीक है? दो कंडीशन है इसमें, एक तो क्या 20 mm तक डाया है, चाहे जो डाया को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, या फिर फाई जो है 20 mm से ग्रेटर हो चुका है। तो इसमें हम लोग Fe 250 के लिए और Fe 415 के लिए जो स्ट्रेस का वैल्यू हम लोग यहाँ पे इसको रिमेम्बर करना है, Fe 250 के लिए 140 N/mm² और Fe 415 के लिए 230 N/mm² और अगर ग्रेटर देन 20 mm आ जाता है तो 130 N/mm² और इसका तो 230 N/mm² ही है। तो ये सब जो डाटा है ये IS कोड 456-2000 ने ही दिया है, ठीक है? तो ये IS कोड हम लोग RCC में यूज करते हैं, तो ये जो है हम लोग याद रखेंगे। तो ये IS कोड के अकॉर्डिंग ही डाटा, ये नहीं कि मैं अपने मन से इसको बता रहा, ठीक है? लेकिन इसको जो है आपको याद करके चलना है, ठीक? चलिए अब हम लोग WSM में, अच्छा अब वो बात वो मैंने बताया कि WSM का कहाँ कहाँ यूज करते हैं, क्लियर है? चिमनी में, लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर में हो गया, डिफ्लेक्शन और क्रैक विड्थ कैलकुलेशन में। अब हम लोग जो एजम्पशन माना गया है WSM में, ठीक है, तो वो एजम्पशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो द बेसिक एजम्पशन यूज्ड इन WSM आर फॉलोइंग। फर्स्ट एजम्पशन इज प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, यानी कि ये तो जो ये क्या बोलते हैं इसको, एजम्पशन जो हुआ ये काफ़ी सारे स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट में है, तो ये काफ़ी फेमस जो है ये एजम्पशन है। सोम में भी यूज होता है, सोम 2 में भी यूज हुआ, अब RCC में भी हो रहा है, स्टील में भी होगा, हर जगह यूज है इसका। लेकिन इस एजम्पशन का मतलब क्या होता है, सिर्फ हमको ये दिमाग में रखना है कि इसका मतलब होता है कि जो स्ट्रेन वेरिएशन होगा वो लीनियर होगा। स्ट्रेन वेरिएशन कैसा होगा? लीनियर होगा फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है? अच्छा, प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग का मतलब मैं सिंपल लैंग्वेज में अगर समझाऊं तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए ये पेज एक प्लेन है और इस पे कोई स्ट्रक्चर मान लीजिए रखा हुआ है, कोई स्ट्रक्चर मान लीजिए ये मेरा हाथ ही रखा हुआ है, ठीक? तो इसको जब मैं बेंड करूँगा तो मान लीजिए बेंड किसी तरह से ऐसे हो रहा है, बेंड हो रहा है, ठीक है? अगर मान लीजिए एक उंगली है, ये एक फिंगर है, इसको मैं बेंड कर रहा हूँ ऐसे, तो बेंड होने के बाद भी ये जो पूरा का पूरा मेरा फिंगर है वो पूरा का पूरा इसी प्लेन को छू रहा है, इसी प्लेन पे टच कर रहा है, तो ये रिमेंस प्लेन एक ही प्लेन पे है। लेकिन अगर ऐसा बेंडिंग होता कि मेरा फिंगर ऐसे उठ जाता, यानी कि उस प्लेन को छोड़ देता, तो इसको बोलते हैं हम लोग वार्पिंग ऑफ द सेक्शन, यानी कि जब उस प्लेन को छोड़ दिया तो एक ही प्लेन में नहीं रह गया, पहले इस प्लेन में था अब इस वाले प्लेन में आ गया, तो प्लेन बदल गया तो वार्पिंग ऑफ सेक्शन हो गया। अच्छा,
एक इंपॉर्टेंट चीज, ये जो एजम्पशन है ये तभी वैलिड है जब स्पैन अपॉन डेप्थ रेशियो 10 to 12 के बीच में आएगा, ठीक है। इसका यूज आपको न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पड़ेगा, जहाँ पे आपको डेप्थ स्पैन का रेशियो कुछ नहीं इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, मान लीजिए वहाँ पे आपको स्पैन लेंथ अगर दिया हुआ है तो डेप्थ कैलकुलेशन आप यहाँ से 10 to 12, 10 मान के या 12 मान के या 11 मान के बीच का कोई वैल्यू मान के कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। यहाँ मैंने बताया फॉर डीप बीम वार्पिंग ऑफ सेक्शन, वही मतलब एक प्लेन को छोड़ देना, वार्पिंग ऑफ सेक्शन टेक्स प्लेस एंड दिस एजम्पशन विल नो लॉन्गर बी वैलिड। जब प्लेन ही छोड़ दिया तो ये एजम्पशन जो है वो वैलिड नहीं रहेगा। उसके बाद करते हैं हम लोग कि सिंपली सपोर्टेड बीम को डीप बीम हम लोग कब कहेंगे, जब स्पैन बाय डेप्थ रेशियो 2 से कम जाएगा। ये सब ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहीं पे लिख दिया, इसी एजम्पशन से ये सब बन के आया है, इसलिए मैंने यहीं पे दिया है। कॉन्टिन्यूअस बीम को डीप बीम कब कहेंगे, जब स्पैन बाय डेप्थ रेशियो 2.5 से कम जाएगा, ठीक। अच्छा, दूसरा बात है कि स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप ऑफ कंक्रीट एंड स्टील इज एज्यूम्ड टू बी लीनियर, फिर गलत बात। स्ट्रेस स्ट्रेस रिलेशन जो होता है आगे हम लोग को पता चलेगा कि लीनियर नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पे WSM में ये एज्यूम किया गया है कि स्ट्रेस स्ट्रेन वेरिएशन जो है वो लीनियर होता है विद इन द रेंज ऑफ परमिसिबल स्ट्रेस। अच्छा, विद इन द रेंज ऑफ परमिसिबल स्ट्रेस, अगर स्ट्रेस स्ट्रेन वेरिएशन लीनियर होता है इसका मतलब क्या होगा कि हुक्स लॉ वैलिड है, तो स्ट्रेस वेरिएशन भी क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा, स्ट्रेस वेरिएशन भी लीनियर। तो WSM में क्या हुआ, स्ट्रेन वेरिएशन और स्ट्रेस वेरिएशन दोनों लीनियर हो गया। तो ऑब्जेक्टिव में ऐसा आता है कि इन WSM स्ट्रेन एंड स्ट्रेस बोथ वेरिएशन आर लीनियर, तो ये वाला ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, दो और अजम्पशन है कि WSM हमारा फॉलो करता है स्ट्रेन कॉम्पेटिबिलिटी को। स्ट्रेन कॉम्पेटिबिलिटी अपने आप में एक पॉइंट है। स्ट्रेन कॉम्पेटिबिलिटी का मतलब होता है कि जैसे अगर मान लीजिए आपका कोई सेक्शन है इस तरह का, ठीक है, और इसमें आप लोग ये हम लोग साइड व्यू देख रहे हैं, तो इसमें जो है आप ये स्टील डाले हुए हैं और ये बगल बगल में क्या है, कंक्रीट है, ठीक है। तो किसी पॉइंट पर जितना स्ट्रेन कंक्रीट का होगा उतना ही स्ट्रेन जो है वो स्टील को भी मिलेगा, तो इसी का मतलब होता है स्ट्रेन कॉम्पेटिबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, टेंशन इज इंटायरली टेकन बाय स्टील आफ्टर कंक्रीट हैज क्रैक्ड ऑन टेंशन फेस। ये एजम्पशन आपको थ्रू आउट द RCC बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेंशन जो होता है पूरा का पूरा स्टील लेता है, क्योंकि स्टील जो होता है टेंशन में अच्छा होता है, कंक्रीट डक्टाइल होता है, सॉरी कंक्रीट ब्रिटल मटेरियल होता है, तो वो टेंशन में अच्छा नहीं हो सकता है, वो कंप्रेशन में अच्छा होता है, और स्टील हमारा टेंशन में अच्छा होता है। तो इसका मतलब हैज क्रैक्ड ऑन टेंशन फेस का मतलब क्या होता है कि एज ए गुड सिविल इंजीनियर हम लोग को ऐसा सेक्शन डिजाइन करना चाहिए जो कि क्रैक्ड हो चुका है, यानी कि अगर मैं साइड व्यू का बात करता हूँ, अगर यही बीम है हमारा, ठीक है, अगर बीम है हमारा तो इस साइड व्यू का अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग स्टील प्रोवाइड करते हैं, ये स्टील प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, पहला बार जब क्रैक होगा, मान लीजिए इस तरह से यहाँ पे क्रैकिंग आएगा, ठीक है, तो पहला बार जब क्रैक होता है यहाँ पे, मैंने पहले भी बताया है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लेक्सुरल क्रैक FCR, जो कि 0.7 √FCR का इतना वैल्यू जब अटेंड कर लेता है तो यहाँ पे क्रैकिंग डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब क्रैक डेवलप हो जाता है तो पूरा का पूरा टेंशन जो है वो स्टील के द्वारा लिया जाएगा, यानी कि न्यूट्रल एक्सिस अगर हमारा ये है, न्यूट्रल एक्सिस हमारा ये है, तो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे का एरिया जो कंक्रीट वाला पार्ट होगा, जो कंक्रीट वाला पार्ट होगा न्यूट्रल एक्सिस के नीचे का, वो क्या हो जाएगा, इन इफेक्टिव हो जाएगा, यानी कि यहाँ रहे ना रहे उससे मतलब ही नहीं। बट ऐसा नहीं है कि हम लोग इसमें से कंक्रीट को निकाल लेंगे, सिर्फ उसको अपने कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको इनइफेक्टिव मानेंगे, उसको ऐसा मानेंगे कि यहाँ पे नहीं है, बट बीम में तो देना ही है कंक्रीट, ठीक है। और न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर का जो ये कंक्रीट है, ये हमारा पूरा का पूरा कंक्रीट इफेक्टिव रहेगा। यहाँ पे कंप्रेशन, ये कंप्रेशन जोन है और ये टेंशन जोन है। अच्छा, ये कंप्रेशन जोन टेंशन जोन कैसे बना, जैसे ये बीम था, मान लीजिए कोई भी सिंपली सपोर्टेड बीम था, ये कोई भी सिंपली सपोर्टेड बीम था, जब इस पे क्या होगा, जब इस पे हम लोग इस तरह से बेंडिंग मोमेंट लगाएंगे, जब इस तरह से बेंडिंग मोमेंट लगाएंगे हम लोग, तो ये क्या होगा, ये इस तरह से कुछ मुड़ जाएगा, ठीक है। तो जनरली हम लोग ये इस तरह का बेंडिंग मोमेंट, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट इसको कहते हैं, ऐसे जो लगता है, तो ये ही मान के बनाते हैं, नहीं तो इसका उल्टा भी कर देंगे तो ऊपर कंप्रेस टेंशन नीचे कंप्रेशन लगेगा।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे लेंथ कम रहा है तो यहाँ पे कंप्रेशन लग रहा है और नीचे में टेंशन, तो जनरली लोअर साइड में टेंशन फेस है सिंपली सपोर्टेड बीम को मान के कर रहे हैं। तो अगर यही हम लोग अगर कैंटिलीवर बीम का बात करते हैं, अगर यही हम लोग कैंटिलीवर बीम का बात करते हैं तो इसमें अगर हम लोग इस तरह से बेंडिंग मोमेंट अगर लगाते हैं, मान लीजिए इस तरह से बेंडिंग मोमेंट लगाते हैं तो इसका कुछ डिफ्लेक्शन इस तरह से हुआ, इस तरह से डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर में टेंशन हो रहा है जनरेट और नीचे कंप्रेशन हो रहा है। तो यहाँ पे स्टील यहाँ प्रोवाइड करना होगा, स्टील हमेशा टेंशन साइड में प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारा एजम्पशन जो है हम लोग आज WSM का देख लिए और जितना भी बेसिक चीज़ था वो भी देख लिए। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू।